जाता है अदर पीरियाडिक प्रॉपर्टीज और कहिए कि लास्ट पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, और वो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस्तेमाल होना है जगह जगह पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज़ होना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, पहली ही बात है ना, पहले तो एक डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या। किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। माने कि ये अगर दो एटम है, मान लीजिए कि ये ए और एक दूसरा बी है, तो इसमें से बी मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बी अट्रैक्ट कर रहा है, बी पे पार्शियल नेगेटिव, ए पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे बी ए के कंपैरिजन में, बी ए के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन यही बी हो सकता है सी के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज है, और जब रिलेटिव प्रॉपर्टीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब पढ़ा गया तो सबकी यूनिट होती थी, ठीक है ना, सबकी यूनिट होती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, ये यूनिट होती थी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एटम के अंदर कोई एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कितनी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, उसको आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अच्छा, अब बताइएगा, ज़रा सोचिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात होने जा रही, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बन सकती है ये, ठीक है। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कांस्टेंट होती है या नहीं, जल्दी सोचिए, जल्दी से बताइए। मैंने एक ऑप्शन बनाया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज वेरिएबल, है ना, ऐसे कुछ है। तो मैंने कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे क्लोरीन, हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, ठीक है ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव 2.1। तो यहाँ पे एक आंसर आया कांस्टेंट, फायदा कांस्टेंट, और दूसरा देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है। अगर देखिए, फिर बात समझिएगा, यहाँ पे वेरिएबल कह रहे हैं दीबा, अब HClO दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, चलिए HClO और फिर HClO2 मैं बनाऊं, HClO2, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम HClO तो क्या आ गया, +1, यहाँ पे निकाला गया +3 आ गया। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग ऑक्सो एसिड में अलग अलग हो रही है, और आज ही हम एक पैरामीटर पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज होता है, माने जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, और कुछ नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम हुई थी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा हुई थी। कहा गया था कि एसिटिलीन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड हो जाता है, मोस्ट एसिडिक होता है, याद आ रहा है। तो क्या तीनों में कार्बन है ना, तीनों में कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, लेकिन
कार्बन तीनों है लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तीनों की अलग अलग है। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये मैं कहीं और से नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइन से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट कांस्टेंट नहीं होती है, हालात के हिसाब से कहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू हालात, हालात के हिसाब से। माने क्या है कि अदर एटम जो उसको सराउंडिंग करते हैं उसके हिसाब से वेरिएबल होती रहती है। ठीक है, जैसे यहां ही पे मैंने दे दिया था एक क्लोरीन को एक ऑक्सीजन एटम लिया है, क्लोरीन पे दो ऑक्सीजन एटम इसको सराउंड किया है, यहाँ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ और हो जाएगी, यहाँ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ और हो जाएगी। माने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कांस्टेंट नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी छोटी सी बात लेकिन कितनी आसानी के साथ जो है आपसे गलती कराई जा सकती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट कांस्टेंट नहीं होती है, बल्कि यही सीधे सीधे कहिए कि इट डिपेंड्स करती है, इट वेरी करती है, और डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट अराउंड विच इट इज बाउंड, जिससे ये बाउंड होता है, ठीक है ना, उस पे डिपेंड करती है, उस पे डिपेंड करती है। डबल बॉन्ड से अटैच हुआ, डबल बॉन्ड से ये एलिमेंट अटैच हुआ कार्बन तो कुछ और आए, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हुआ यानी बाउंड हुआ तो कुछ और आए। ठीक, क्लियर ना, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोनिक, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि वेरिएबल होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की फर्स्ट स्टडी किसने की थी, पॉलिंग ने की थी, और पॉलिंग ने, ठीक है ना, अपना स्केल लाया और उसको लेके उन्होंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिव असाइन की, यानी कि डिटरमाइन की, और उन्होंने कहा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 मान लीजिए, और कहा कि इससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं है। माने फ्लोरीन अगर कहीं है तो फ्लोरीन ही निगेटिव होगी, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा क्यों ना ऑक्सीजन हो। माने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, इसकी होती है और कितनी होती है, 4 हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने स्केल दिए, 3 स्केल की बात एनसीईआरटी में होती है, फार्मूले भले ही ना दिया हो एनसीईआरटी में लेकिन नाम लिया गया है, और जब नाम लिया गया तो उससे एक कदम आगे ज़रूर बढ़िए, उनके स्केल माने उसके फार्मूले को ज़रूर जानिए। ठीक है ना, तो ये 3 स्केल आई है, सबसे पहले पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल, पॉलिंग ने क्या किया, बॉन्ड एनर्जी को किलो जूल में रख के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिटरमाइन किया। मान लीजिए कि एक कंपाउंड है ए बी, ठीक है, ये ए बी एक कंपाउंड है, इसमें ए इलेक्ट्रॉन को अपने एयर अट्रैक्ट कर पा रहा है, माने इसकी पावर ज्यादा है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज मैंने दिखा दिया। बी का इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया था, अट्रैक्ट किया था, इसलिए बी को मैंने पॉजिटिव दिखा दिया। अब इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, ये काई ए काई बी जो लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। तो कहते हैं पॉलिंग ने यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिटरमाइन किया। देखिए दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है इक्वल टू 0.208 इंटू अंडरूड ई, अंडरूड डेल्टा ई, डेल्टा ई है रिजोनेंस एनर्जी, और इस डेल्टा ई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस फार्मूला थोड़ा सा याद रखिए, है ना, खासतौर से जेई वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें न्यूमेरिकल, तो डेल्टा ई को कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी, माने ये बॉन्ड एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी, कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड अंडरवुड ए ए बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इंटू बी बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी करके अंडरवुड निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। तो ये एक सिंपल से फार्मूले है, फार्मूले को याद रखे रहिएगा। तो ये पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिटरमाइन किया जाता है। दूसरा आया अल्फ्रेड रोक्को, अल्फ्रेड रोक्को स्केल,
इन्होंने ऑलरेड रुको स्कूल, इन्होंने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है, कहा कि और देखेंगे कि फार्मूले में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस पे, और फार्मूला जो दिया इस फार्मूले को देखिए 0.359, अगर कैलकुलेशन करना ही पड़ जाए मान लीजिए बहुत जल्दी से तो 0.4 कर सकते हो। जीफ अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.74, आर क्या है, आर रेडियस इन एंगस्ट्रॉन, तो ये दूसरा फार्मूला। तीसरा जो है मिलिकन का फार्मूला था, मिलिकन का फार्मूला, मिलिकन ने ये कहा था कि एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, ठीक है, एवरेज इन दोनों के एवरेज को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू मिलिकन, मिलिकन एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो एवरेज माने दोनों को जोड़िए और दो से डिवाइड करिए, तो ये मिलिकन का स्केल आ गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल टू। उसके बाद मिलिकन और पॉलिन में एक रिलेशन आता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, माने अकॉर्डिंग टू पॉलिन का तो ये एक स्केल हो गया और पॉलिन ने मिलिकन से भी मिलके माने मिलिकन में भी टैग किया, एक रिलेशन बनाया और वो कहा अकॉर्डिंग टू पॉलिन, ठीक है ना, मिलिकन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिवाइडेड बाई 2.8, ये मिलिकन स्केल को 2.8 से डिवाइड कर दिया जाए, मिलिकन स्केल को 2.8 से डिवाइड कर दिया जाए तो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बन जाती है, माने अगर पॉलिंग स्केल और मिलिकन स्केल में एक रिलेशन ऐसे कहा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एवरेज ये किसका हो गया, मिलिकन हो गया, माने आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.8, तो ये मिल जाएगा पॉलिंग स्केल। तो अब देखिए कहां से आपको एक गलती कराई जा सकती है कि एक तो सिर्फ ऐसे दे दिया जाए आई ई प्लस ई ए अपॉन 2 और एक दे दिया जा रहा है आई ई प्लस ई ए अपॉन 2 इंटू 2.8, तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग किसके अकॉर्डिंग कौन सा है, तब ये फिर क्या हो गया, ये वाला पॉलिंग के अकॉर्डिंग है, ये वाला किसके अकॉर्डिंग है, मिलिकन के अकॉर्डिंग है। पॉलिंग इक्वल टू कहिए, पॉलिंग इक्वल टू मिलिकन, पॉलिंग इक्वल टू मिलिकन अपॉन 2.8, ये मिल गया पॉलिंग, मिलिकन स्केल अपॉन 2.8, क्लियर। तो ये तीन स्केल, तीनों स्केल को थोड़ा सा, ठीक है ना, देखे रहिएगा, एक नजर जरूर करिए। चलिए ठीक है, ये तीन स्केल की बात हुई। उसके बाद जो फैक्टर जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा अलग से नहीं जो आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड की थी, सेम उसी फैक्टर पे इलेक्ट्रॉन ये आयोनाइज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करेगी, ठीक है, लेकिन उन सब में एक्सेप्शन आया था, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए ये आसान सी बातें आ जा रही हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है, इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चलिए पहला फैक्टर आते हो साइज, और कहा था साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों बातें जो पहले पढ़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, माने जीफ कह सकते हो, है ना, या इसी को क्या कहा गया जीफ, अच्छा ना, चलिए इसको एक पॉइंट के अंदर रख दिया। दूसरा दूसरा पॉइंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी जो कॉन्सेप्ट आया आपका कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वेरिएबल होती है सेम एलिमेंट के, अभी देखिए वो वाली पॉइंट आ जाएंगे, माने ये डिपेंड करती है चार्ज ऑन एटम। देखिए ये सब चीज़ें
हालांकि इनडायरेक्टली जब बहुत गहराई से पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी, वरना बुक में इसे इस तरीके से हेडिंग के फॉर्म में नहीं लिखी होगी। मैंने चार्ज ऑन एटम ये अपने से निकाल सकते हो बुक के अंदर से, चार्ज ऑन एटम एटम के चार्ज पे डिपेंड करती है। कैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं एक एलिमेंट ए लूँ इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव एक न्यूट्रल, तीन चीज़ें। पीछे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं कि पॉजिटिव होता है तो साइज इसकी सबसे छोटी, इसमें अगर देखा जाए तो इसकी साइज स्मॉलेस्ट है इनमें, और इन तीनों में इसकी साइज लार्जेस्ट है। क्यों भाई? और आप देख रहे हैं कि साइज पे ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है, और जब साइज पे डिपेंड करती है और साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इसकी साइज सबसे छोटी है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, En ऑफ A प्लस सबसे ज़्यादा, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए निगेटिव हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, और जब साइज बड़ी है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस फार्मूले से कम आ जा रही है। तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए डिपेंड करती है किस पे, चार्ज पे। और आप देखिए यहीं पे सेम एलिमेंट ए ए ए है ना, और तीनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कांस्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब कुछ जानते हुए अगर वो ऑप्शन बना देगा तो काफ़ी बच्चे गलती करके चले आएंगे, ठीक है। चलिए वेरिएबल हो रहे इसका मतलब, और क्या फिर हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, यहाँ पे देखिए तो प्लस वन चार्ज है, यहाँ पे देखिए तो माइनस वन चार्ज है, यहाँ पे देखिए तो जीरो चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ये एक बात निकल के सामने आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, और देख लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं, ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड कहते हैं किसी के भी, मान लीजिए क्लोरीन के हम लोग ऑक्सी एसिड ले ले रहे हैं, कुछ गड़बड़। चलिए तीसरा पॉइंट ऑक्सो या ऑक्सी एसिड, चलिए क्लोरीन का मैं ले लूँ, ऑफ क्लोरीन। देखिए ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड किसको कहते हैं, जिसमें OH ग्रुप होता है उसको ऑक्सो एसिड कहते हैं। अगर यहाँ ऑक्सो एसिड ले सबसे पहले HOCl, HOCl2, HOCl3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग ऐसे कह सकते HClO कह सकते थे, HClO2 कह सकते थे, HClO3, HClO4 कह सकते थे। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड नामे हैं, पढ़ेंगे आप 17 ग्रुप जिसको कहेंगे, हैलोजन फैमिली जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर इन सब को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन 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 सब में है, माने एटम सेम है, और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकालोगे आ जाएगा, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गई प्लस थ्री आ गया, यहाँ पे कितना हो गया प्लस फाइव आ गया, प्लस सेवन आ गया, निकालिए सब में आ जाएगा। माने क्या है, देखिए प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन। अब देखिए क्लोरीन तो सब है ना, लेकिन सब पे चार्ज अलग है, जिस पे चार्ज ज़्यादा आ गया उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की, सब क्लोरीन ही है, यहाँ वाले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर की बात आती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, और बहुत सारे चैप्टर में
बहुत सारी जगहों पे आपको ये बात मिलेगी, जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब भी मिलेगी खास तौर से। बड़ी परेशानी होती है कई जगह, बिल्कुल है ना सही, कई कॉन्सेप्ट दिमाग में आके जो कहते चुप कर जाते हैं, है ना, मिक्स हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है कि क्या होता है। एसिडिक कैरेक्टर की बात होती है, ऑक्सो एसिडिक की एसिडिक कैरेक्टर, तो कहीं देखेंगे कि बढ़ गया, कहीं घट गया, तो अजीब सी उलझन में फंस जाता है बच्चा। तो कोई उलझन में फंसने की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। कभी भी एसिडिक कैरेक्टर निकालने की बात आए, हमेशा सिर्फ यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, हमेशा के लिए याद कर डालिए, कभी भी एसिडिक कैरेक्टर निकालने की बात आ जाए, किसके, ऑक्सो एसिड के, क्लोरीन की हो, सल्फर की हो, नाइट्रोजन की हो, फास्फोरस की हो, किसी के भी हो, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करने जाएगा। माने एसिडिक कैरेक्टर कहिए हमेशा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बस एक पॉइंट याद कर लीजिए, कभी नहीं गलत होगा, ना कभी उलझन आपको होगी, ना कभी परेशानी महसूस होगी, क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिए, चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि अगर एक तो होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे आप देख रहे कोई एक्सेप्शन है नहीं, तो साइज ऐसे जाते हो तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है, ऐसे जा रहे हो साइज कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, कोई एक्सेप्शन है नहीं। और इसी तरीके से नीचे आ रहे हो तो साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रही है, एक तो ये बातें हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता कर लोगे, माने डिफरेंट एलिमेंट होंगे, ऐसे जाओगे तो जाहिर सी बात है एलिमेंट डिफरेंट हो जाएंगे, किसी ग्रुप में नीचे आओगे एलिमेंट डिफरेंट हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि एलिमेंट सेम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखा जाए सेंट्रल एटम सेम हो गया, है ना, सेंट्रल एटम क्या है, सेम हो गया। तो कभी सेंट्रल एटम की बात करें, कभी सेंट्रल एटम सेम हो गया, कभी सेंट्रल एटम डिफरेंट हो जाएगा, तीन तीन तरीका मिल जाएगा। तीन तरीका क्या मिल जाएगा, जैसे एक ये तरीका मिल गया, चलिए आइए जरा सा तीनों को एक साथ लेके समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया, अब मैं HClO4 ये है ना HCl, अब यहीं पे HOBrO4 या HOBrO3 HOI3 ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जैसे H और क्लोरीन HNO3 HSO3 एच सल्फर ClO3 ऐसा मिल गया, देखिए तीन आ गए, ऐसी बात है। यहाँ पे देखिए ऐसे जा रहे हो, अक्रॉस पीरियड जा रहे हो, एलिमेंट बदलता जा रहा है, नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन, नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस लिखिए ना, हाँ 15 एक पीरियड का एलिमेंट, फास्फोरस 15 16 17 बदलता गया, और आपको पता था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बदलती जा रही है, और पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो आप कह दोगे सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज की तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर दिया, माने HClO3 सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और देखिए यहाँ पे आइए ज़रा सा, एलिमेंट फिर बदलता गया, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और पता है डाउन द ग्रुप जाते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, माने एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप गए हो तो डिक्रीज हो गया है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, माने ऑर्डर ये बन गया, ये हो गया। अब यहाँ पे आ गए, सेम एलिमेंट है, अब क्या करते, अब तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग ऐसे दिख नहीं रही है, तब फिर आओगे चार्ज वाली बात पे, जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, और इस पे चार्ज सबसे ज़्यादा है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो तीन ही पॉइंट मिलेंगे, तीन ही तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे,
ठीक है ना, या तो किसी ग्रुप की बात हो जाएगी, ग्रुप में हो जाएगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे एलिमेंट बदलता जाएगा, किसी पीरियड में जाएंगे एलिमेंट बदलता जाएगा, ठीक है ना। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का मान ले, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, सेम सेम सेम, यहाँ भी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग, माने चार्ज अलग अलग। तो क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट याद रख लेना होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, और उसके बाद आपकी कहानी आराम से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये एक बात याद रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि एक जगह भी बात आएगी और फंसने वाले, तो ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम से है, ये जितना भी डिटरमाइन हो रहा है किससे, सेंट्रल एटम से डिटरमाइन हो रहा है। चलिए आगे अभी आते हैं, बात करते हैं उसकी जो आने वाली है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि चार्ज ऑन एटम यानी कि एटम के चार्ज पे डिपेंड करता है, और उसी के लिए ये वाला जो पॉइंट मैंने बनाया था चार्ज ऑन एटम, ये वाला कि देखिए चार्ज ऑन एटम, तो जितना ज्यादा चार्ज हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, ये दिखाना था, साथ साथ में एसिडिक कैरेक्टर की मैंने बात कर लिया। उसके अलावा एक और जो पॉइंट पढ़ के आए हैं, ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे, हाइब्रिडाइजेशन पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है। अभी अभी मैंने बात किया था, जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पढ़ चुके हैं, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, और उतना ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे sp3 sp2 और sp, अब देखिए यहाँ पे 50% है एस कैरेक्टर और यहाँ पे 33% है एस कैरेक्टर, 25% है एस कैरेक्टर, तो यहाँ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम होगी। और अभी मैंने बता दिया ये कहाँ मिलता है, ट्रिपल बॉन्डेड में, ये डबल बॉन्डेड में, ये सिंगल बॉन्डेड में, देखिए है तो सब कार्बन लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गई अलग अलग। बात क्लियर हो गई। अब चलिए ट्रेंड्स में आते हैं, और ट्रेंड्स कोई परेशानी की बात ही नहीं है, क्योंकि साइज पे डिपेंड करती है और कहीं एक्सेप्शन होता नहीं है। तो ट्रेंड्स में नंबर वन, अक्रॉस पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड, ट्रेंड में अक्रॉस पीरियड, ये ट्रेंड्स, ट्रेंड्स क्या हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिव अक्रॉस पीरियड, सीधे सीधे क्या कहेंगे, साइज, साइज अक्रॉस पीरियड डिक्रीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं। चलिए जरा सा आइए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान, बेरिलियम, लिथियम और इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके नीचे क्लोरीन, इसके नीचे ब्रोमीन, इसके नीचे लिथियम, के नीचे सोडियम, इसके नीचे पोटेशियम, इतनी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना मैंने लिख दिया है, इतनी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़रूर याद करिए, ज़रूर याद करिए, और आयोडीन की भी याद कर लीजिए, है ना, इतना सा। ये तो पता है कि ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ती है, और हम लोगों ने कहा है कि फ्लोरीन की कितनी, चार मानी गई, और इससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है। तो अब ये 0.5 से कम करते चले आइएगा, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और लिथियम की 1, और इस हाइड्रोजन की एक याद करिए 2.1, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो कम होती चली जाएगी, 1 है तो यहाँ पे 0.9, 0.1 से कम कर लीजिए, 0.8, ये इतनी सी याद कर लीजिए। यहाँ पे क्लोरीन की फिर 3.8, ठीक है, और आयोडीन की 2.6,
इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूर याद रखना पड़ेगा, जरूर याद करना पड़ेगा ताकि आपको पता हो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बड़ी आराम से याद हो जाएगा। ये तो फ्लोरीन से आई सेकेंड पीरियड की बात हो रही है, फ्लोरीन की फोर और उससे कम सबकी सब होती चली जा रही हैं, ठीक है। चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक अक्रॉस पीरियड देख लिया। इसी तरह से डाउन द ग्रुप क्या है, देखिए ना घटती जा रही है, घटती जा रही है, कोई ऐसी बात ही नहीं। अक्रॉस पीरियड भी घट रही है, डाउन द ग्रुप भी घट रही है। चलिए एप्लीकेशन, अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जरा सा देखते हैं। एप्लीकेशन एप्लीकेशन मजा आएगी है ना, कैसी मजा आएगी। पहला एप्लीकेशन बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल या चलिए बॉन्ड एंगल दूसरी बार देख लेंगे। सबसे पहले तो बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लेते हैं, और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी ये देख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड। अब देखिए ये बातें अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक कई बार आ चुकी है। देखिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जाहिर सी बात है जितना छोटा बॉन्ड होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ये केमिकल बॉन्डिंग में भी एक बार फिर आएगा, ठीक है। अगर कोई ये सॉलिड है, कोई कंपाउंड है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी काई ए इसकी काई बी ये है, और पढ़ के आए हैं पीछे ए बी बॉन्ड लेंथ, ए बी बॉन्ड लेंथ हमने कहा था जब दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई है ना बहुत थोड़ा डिफरेंस हो तो आर ए प्लस आर बी, ए की रेडियस बी की, लेकिन जब यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है तब क्या कहा गया था, आर ए प्लस आर बी, याद करिए इसी चैप्टर में पढ़ा गया है, माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, याद आ रहा है ये बॉन्ड लेंथ ये आ गई थी। यहाँ से बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन किया, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से स्टेबिलिटी डिटरमाइन किया आ गया। अगर आप देखिए एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई सब में H कॉमन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बढ़ती चली जाती है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा एच आई, उसके बाद एच बी आर, उसके बाद H देखिए सी एल और एच एफ बहुत छोटा होगा। तो अब जाहिर सी बात है अगर इसमें देखा जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, एच एफ की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है ना, और कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल एच एफ है। तो यहाँ पे ब्रेक कौन करेगा, ये सबसे आसानी से ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन आयन ये देगा। तो इस तरीके से कह सकेंगे ना कि इन चारों में एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ये मिल गया। जितनी आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा उतना स्ट्रांग एसिडिक होगा। सर एक बार फिर रिपीट करिए, चलिए कर दे रहे हैं हम लोगों ने कहा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटा बॉन्ड मैंने बनाया इनके बीच में बनेगा, यहाँ पे आयोडीन की साइज सबसे बड़ी, सबसे बड़ा बॉन्ड इसका मैंने बना दिया, ठीक है। और बॉन्ड जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ एच एफ की है,
यानी इसको ब्रेक होना सबसे मुश्किल होगा, सबसे आसानी से ये ब्रेक होगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, सबसे आसानी से ब्रेक कर जाएगा। क्लियर। और जब सबसे आसानी से ब्रेक कर जाएगा माने हाइड्रोजन सबसे इजीली ये डोनेट कर देगा, दे देगा। और जो हाइड्रोजन देते हैं एसिड होते हैं, जो जितनी इजीली डोनेट करते हैं उतने स्ट्रांग एसिड होते हैं। तो HCl, HBr, HI में सबसे स्ट्रांग एसिड HI है। HCl, HCl बहुत आप देख ही रहे तो स्ट्रांग एसिड, तो ऐसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं करना, HCl से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग एसिड क्या है, HI है, ठीक है ना। और HCl से HBr भी ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, हाँ HF सबसे कम है। क्लियर, ये बातें ठीक है। तो ये देखिए आपका माने कि जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बन जाएगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेशन में देखेंगे, एप्लीकेशन नंबर वन ये बॉन्ड लेंथ हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ हुआ और सर स्टेबिलिटी हुई। नेक्स्ट जो है चलिए नई वीडियो से स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एंगल पे, ठीक है।